तो सीधे ध्यान से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, रुको ना। आज राहुल गांधी आपके साथ रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। देखिए आज नवादा के आज नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हमारा साझा कार्यक्रम राहुल गांधी जी के साथ है, और आज 5 कार्यक्रम मेरा जनसभाएं हैं, जिसमें कि तीसरा नंबर पे हिसुआ आता है। लगभग 11:30-12 बजे हिसुआ हम लोग पहुँचेंगे, और आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर बताएंगे कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी के मामले में, अस्पतालों के मामले में फिसड्डी रहा, 15 साल से बीजेपी सरकार में है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आखिर क्यों बिहार पीछे रहा है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 46.6 बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा बिहार में क्यों है? शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्यों नहीं खुले हैं बिहार में? ये ज़रूर उम्मीद करती है बिहार की जनता कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे पिछली बार, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल लेकर के जो बड़ी संख्या में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हुए, लगभग 80-85 लाख आबादी, लगभग 18 जिले, अब तक केंद्र की सेंट्रल टीम क्यों नहीं आए? हमको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस पे प्रकाश डालने का काम करेंगे। देखिए, हमने तो कल मनोज झा जी ने भी आपको विस्तार रूप से इसकी जानकारी दी होगी, और अफसर 10 लाख का जवाब से देने की कोशिश, अफसर प्रदान करना, कोशिश देना, वो तो जब 2014 से कोशिश चल रहा, पूरे देश को अफसर देने की कोशिश कर रही है, कितनों को रोज़गार मिला, बल्कि जिसको रोज़गार था वो भी छीन लिया गया। रोज़गार तो पकौड़ा तलना भी हुआ, नाला साफ करना भी हुआ, जूता सीना भी हुआ, लेकिन हम जिस नौकरी के बारे में बोल रहे हैं वो सरकारी नौकरियां हैं, इसमें बड़ा अंतर है। हम तो समय बता रहे हैं, और एक बात स्पष्ट आप जान लीजिए, NDA का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। जब नीतीश कुमार जी ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए कि समुंदर नहीं, कारखाने नहीं लग सकते, हमारे 10 लाख नौकरियों पे वो हंस रहे थे, तो बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र जारी करती है, तो बीजेपी का तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं, चेहरा तो नीतीश कुमार होंगे, तो उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए, तो इस घोषणा का क्या मतलब रह जाता है? पहले आपस में बीजेपी और जदयू के लोग फड़ियाल हैं, अब देश की जनता, खासतौर पर बिहार की जनता, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक है सबसे ज़्यादा। अब जो है आप झुनझुना दिखा करके बेवकूफ़ नहीं बना सकते बिहार की जनता। वैक्सीन देने की बात वैक्सीन पहली बात आया नहीं है, कब आएगा, नहीं आएगा, ये नरेंद्र मोदी जी को क्या, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। दूसरी बात, ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना, ना कि बीजेपी का होगा। मतलब मान लो बंगाल में वैक्सीन फ्री नहीं करेंगे क्या? मान लीजिए आज बिहार में चुनाव नहीं होता, दूसरे राज्य में चुनाव होता, तो क्या बिहार को फ्री वैक्सीन नहीं मिलता? तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े सादर और बड़ी विनम्रता से जो हमने सवाल पूछे हैं, बेरोजगार को लेकर के, किसान को लेकर के, बिहार के उत्थान को लेकर के, जो आपने ही वादा किया था, और 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, आप ही के डिप्टी CM रहे, कई डिपार्टमेंट में मंत्री रहे, केंद्र में आपकी सरकार, आखिर क्या किया बिहार के? शुक्रिया।